रोजाना हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड के बीच अब ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले नाहर सिंह की 3 फिक्स डिपॉजिट पर सेंध लगाते हुए खाते से 40 लाख रुपए उड़ा लिए। इतना ही नहीं, करीब 58,000 रुपए की चौथी FD भी तोड़ ली। पीड़ित को ठगी की भनक तब लगी जब पासबुक को अपडेट कराने के लिए बैंक पहुंचे। दरअसल बादशाहपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है और इस खाते में उनकी पेंशन भी आती है। उन्होंने 4 FD भी इसी बैंक से कराई हुई है। फिलहाल वे अब खेती करते हैं और पिछले दिनों ही बाजरे की फसल की बिक्री हुई थी। जब पासबुक अपडेट हुई तो पता चला कि 20 लाख 19 लाख और 1,13,160 रुपए की 3 FD तोड़कर किसी ने रुपए खाते से ट्रांसफर कर लिए हैं। उन्होंने तुरंत बैंक को शिकायत देकर वो पेमेंट होल्ड करा दी। साथ ही बैंक खाता भी सीज किया जा चुका है। हाँ, ये एक्स सर्विसमैन थे मिस्टर नाहर सिंह, इनकी बैंक में FD थी और उसको किसी ने फर्जी तरीके से तोड़ के कैश किया है। इसके संबंध में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में जो है ना केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं बैंक मैनेजर को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। न्यूज़ डेस्क।